हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे था। एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नई वीडियो। तो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन LPU MBA करने के लिए। अगर आप LPU में पढ़ना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं LPU से, तो आपका टोटल कितना खर्चा आ जाएगा। इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल पता लग जाएगा कि आपको कितने एक्स्ट्रा चार्जेस, कितने हॉस्टल फीस, कितनी आपकी एकेडमिक फीस और क्या क्या आपको खर्चे लगेंगे, टोटल कितने आपके दो साल में MBA के लिए पैसे लग जाएंगे। जिसमें कि मैं दो चीज़ों के बारे में बताऊंगा, MBA जनरल के बारे में और MBA ऑनर्स के बारे में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना, बिना स्किप करे आपको A to Z सब चीज़ें बहुत अच्छी डिटेल में बता दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं MBA के ऊपर ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका हूँ, 3-4 वीडियोज अभी MBA के ऊपर और बनाऊंगा। सो अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो वीडियो आपको सबसे जल्दी देखने को मिल जाएगी और बिल्कुल टाइम पे देखने को मिल जाएगी, ताकि आप जल्दी जल्दी सारी वीडियोज देख के अपना जजमेंट कर सके कि आप LPU से MBA करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल सब कुछ डिटेल में पता लग जाएगा। और भी ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और सारे जो लिंक्स वगैरह है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में गिरे हैं पड़े हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर पढ़ लेना। और उसके बाद अगर मन करे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार, थोड़ा सपोर्ट करो इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखो, एक अच्छा कनेक्शन बना के रखो। तो फटाफट आ जाओ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और फिर स्टार्ट करते अपनी वीडियो। तो जैसा कि अभी आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे। बात करेंगे कि MBA में आपकी, अगर आप MBA कर रहे हैं LPU से, तो आपका टोटल कितना खर्चा आ जाएगा दो साल में, एडमिशन से लेके डिग्री कंप्लीट करने तक, जिसमें कि आपकी हॉस्टल की फ़ीस कितनी होगी, एकेडमिक फ़ीस कितनी होगी, एडमिशन फ़ीस कितनी होगी, LPU की फ़ीस कितनी है, या हॉस्टल के चार्जेस कितने, क्या 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 एक्स्ट्रा चार्जेस और क्या सब मिला के टोटल कितना खर्चा आ जाएगा दो साल में, जिसके बेसिस के ऊपर आप अपना ROI कैलकुलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कितने पैसे टोटल लग जाएंगे। अगर ये वीडियो में अगर आप ले रहे हैं LPU में एडमिशन, तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ताकि आपको खर्चे का अंदाज़ा पहले से ही हो, ताकि आपको बाद में फीस के प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हिडन चार्जेस वगैरह हमको पहले नहीं पता होते, हम थोड़ा कम सोच लेते हैं और बाद में जब फीस देने का टाइम आता है तो हम थोड़े तंग होते हैं। और ये बिना फीस के आपको ना डिग्री देंगे, ना आपको एग्ज़ाम वगैरह देने देंगे, और बिना पैसों के प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। तो फीस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए कॉस्ट ऑफ ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, अच्छे से देखना, आपको अच्छे से बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आप फीस चेक कर सकते हैं, क्या क्या फीस होगी, कैसे होगी। मैंने पूरी PPT ऑलरेडी बना रखी है, पूरा खर्चा कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, आपको दिखा दूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना अच्छे से, समझने के लिए क्या क्या कैसे होगा। तो फटाफट मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको कहाँ लेके जाऊंगा, गूगल पे आप क्या सर्च करेंगे, LPU सर्च करेंगे। LPU सर्च करते ही आपके सामने खुल जाएगी यहाँ की LPU की वेबसाइट। सबसे पहले तो मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आपकी MBA की कितनी फीस वगैरह लगी। तो जाएगी एडमिशन पे, रेगुलर प्रोग्राम्स पे जाती है, आपको क्या खोलना है, MBA वाला पेज खोलना है, जिसमें कि आपको फीस स्ट्रक्चर दिखेगा, कितनी फीस है, कितनी क्या क्या स्कॉलरशिप है और कैसे है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे, मैनेजमेंट पे क्लिक करते यहाँ पे आपके खुल गई MBA कितने प्रकार की। जैसे कि पिछली वीडियोस में भी बताया मैंने, MBA 10 प्रकार की, MBA के ऊपर ऑलरेडी 3-4 वीडियोस अवेलेबल है मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स गिवन है। अगर आप MBA के बारे में जान रहे हैं तो वो वीडियोस भी ज़रूर देखना, जिसमें कि मैंने MBA के बारे में प्लेसमेंट रिव्यू, ये सब बहुत सारी बातें अलग अलग बता रखी है। 10 प्रकार की MBA गिवन है। यहाँ पे हम दो प्रकार के MBA के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, इसमें नहीं है, इसमें हम बात कर लेंगे नॉर्मल MBA की फ़ीस कितनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ही लिखा हुआ है फीस वाला सेक्शन, फीस पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। नॉर्मल MBA की फीस कितनी है, 1,90,000 रुपये फीस है। कितनी, 1,90,000 रुपये फीस है। और अगर आप LPU NEXT का एग्ज़ाम देते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी पुरानी वीडियोज़ में ही बता रखा है, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि LPU NEXT का एग्ज़ाम क्या है। LPU NEXT एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है LPU के लिए, जिसके बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलती है और आपकी फ़ीस कम होती है। तो यहाँ पे मैंने, अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया है, जिसमें कि वैसे तो LPU NEXT की फ़ीस कितनी है, 1,000 रुपीज़ फॉर बॉयज़ एंड 500 फॉर गर्ल्स है, लेकिन जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर आप उस लिंक के थ्रू LPU NEXT के लिए रजिस्टर करते हैं, तो आपको सीधा 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे वाले लिंक से अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा फॉर्म की फीस फॉर बॉयज़ एंड 300 हो जाएगी फॉर गर्ल्स। तो उस लिंक के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं और 50% का अपना फ़ायदा कर सकते हैं, अपने 500 रुपये, और गर्ल्स अपने 200 रुपये बचा सकते हैं उस लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में देने से। तो अब LPU NEXT की मैंने बताया आपको, अगर आप वैसे MBA जनरल की फीस कितनी, 1,90,000 रुपये, और MBA ऑनर्स की फीस कितनी है, 2,90,000 रुपये। MBA जनरल की फीस है 1,90,000 रुपये, MBA ऑनर्स की फीस है 2,90,000 रुपये। अगर आप LPU NEXT का एग्जाम देते हैं, LPU NEXT के एग्जाम में कैटेगरी 1 में आते हैं, तो आपकी फीस कितनी रह जाएगी, 50% स्कॉलरशिप आपको मिलके 95,000 रह जाएगी। अगर आप LPU NEXT की कैटेगरी 2 में आते हैं, आपकी 40% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी और आपकी फीस कितनी रह जाएगी, 1,14,000 रुपये। और आप LPU NEXT की कैटेगरी 3 में आते हैं, तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसके बाद आपकी फीस कितनी रह जाएगी, 1,33,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते, और आपकी एक सेमेस्टर की फीस कितनी है, 1,90,000 रुपये, जो जनरल फीस है। वैसे तो अगर आप LPU NEXT का एग्जाम
एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 30% या 40% कोई एक स्कॉलरशिप तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि LPNS का एग्ज़ाम बहुत ही ईजी लेवल का होता है यार, तो स्कॉलरशिप आपको पक्का मिलेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इतनी तो मुझे उम्मीद है कि आप 30% स्कॉलरशिप तो ले जाओगे, लेकिन यहाँ मैं फिर भी अज्यूम कर रहा हूँ कि 1,90,000 रुपये आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है, इनकेस आपको नहीं मिलती तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया 1,90,000 रुपये आपकी MBA जनरल की फ़ीस है और 2,90,000 रुपये आपकी उसकी फ़ीस है MBA स्पेशलाइजेशन की। यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे MBA जनरल की फ़ीस है 1,90,000 रुपये, MBA स्पेशलाइजेशन की फ़ीस है 2,90,000 रुपये। तो अब एक यहाँ पे MBA में कितने साल की है, MBA 2 साल की है, टोटल सेमेस्टर कितने होंगे, 4 होंगे, तो आपको 1,90,000 रुपये कितने बार पे करने, 4 बार, तो आपकी फीस अकेडमिक फ़ीस कितनी होगी, 7,60,000 रुपये, 7,60,000 रुपये आपकी MBA जनरल की अकेडमिक फ़ीस होगी। और अगर आप MBA स्पेशलाइजेशन या उसके ऑनर से कर रहे हैं तो आपकी 2,90,000 रुपये फ़ीस होगी, मतलब कि टोटल कितना हो गया, 11,60,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी, 11,60,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी, 11,60,000 रुपये आपकी फ़ीस होगी MBA ऑनर्स के लिए। एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी है, एक सेमेस्टर की 4,000 है, कितनी बार पे करनी है, 4 बार, कितना हो गया टोटल, 16,000 रुपये। तो आपकी अकेडमी भी, ये भी आपको वेबसाइट पे दिखाता हूँ नीचे गिवन है यहाँ पे कि आपको 4,000 रुपये पर सेमेस्टर फ़ीस पे करनी है। उसके बाद आपको LPNS का एग्ज़ाम देना, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप LPNS का एग्ज़ाम खुद से जो वेबसाइट पे देख रहे हैं वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे तो आपको 1,000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी LPNS की, और गर्ल्स को 500 पे करनी पड़ेगी। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में गिवन है उस लिंक से करते हैं तो आपको 500 लगेगी बॉयज़ को, 300 लगेगी गर्ल्स को, तो आपकी कितनी, 500 रुपीज़ तो LPNS की फ़ीस होगी। उसके बाद आपकी 7,60,000 रुपये अकेडमिक फ़ीस होगी, 16,000 रुपये आपकी एग्जामिनेशन फ़ीस होगी। अगली चीज़ जो हमने क्या जो डिस्कस करनी है वो क्या है, हॉस्टल फ़ीस। हॉस्टल फ़ीस यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है फोर सीटर। वैसे तो LPU में बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको कैसे पता लगेगी LPU में कौन कौन सी है, तो यहाँ पे लिखते हैं LPU हॉस्टल फ़ीस। जैसे आप LPU हॉस्टल फ़ीस सर्च करेंगे आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगा इसमें फैसिलिटी है LPU। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको LPU के बारे में सब कुछ जानने को मिल जाएगी कि आपको कौन कौन सी बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट्स होंगे, ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं। हॉस्टल में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, ये फैसिलिटीज़ के बारे में सब कुछ हॉस्टल के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक अर्ली डिसीजन बेनिफिट। अर्ली डिसीजन बेनिफिट क्या है, अगर आप 30 जून 2022 से पहले 30 जून 2022 से पहले हॉस्टल की फैसिलिटी LPNS का एग्ज़ाम देके एडमिशन लेके हॉस्टल की फैसिलिटी को ऑप्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब आपको डिस्काउंट मिलेंगे। अर्ली डिसीजन बेनिफिट का मतलब है आपको डिस्काउंट मिलेंगे, वो कब मिलेंगे, अगर आप 30 जून 2022 से पहले हॉस्टल फैसिलिटी ऑप्ट करते हो। अगर आप स्टैंडर्ड रूम में आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप पहले लेते हो 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप पहले ही ऑप्ट करते हो तो आपको 5,000 पे उसका डिस्काउंट मिल जाएगा मेस में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे रखी है, जैसे कि 4 सीटर का फीस वैसे कितनी है, 75,000 रुपीज़ फ़ीस है उसकी हॉस्टल की, और 40,000 है मेस की। तो अगर आप पहले से ही लेते हैं 30 जून से पहले पहले लेते हैं 10,000 रुपये आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया, मतलब 65,000, और आपको मेस की फीस में डिस्काउंट मिल गया 5,000, और 35,000 रहेगा, तो 65 + 35 आपका टोटल हो गया 1 साल का खर्चा हॉस्टल प्लस मेस के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप 30 जून के बाद ले रहे हैं तो आपका खर्चा कितना आएगा, 75 और 40,000। जैसे कि मैंने इस PPT में भी लिख रखा है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपका हॉस्टल की फ़ीस कितनी है, 85,000। ये अपडेट हो चुकी है, जो वहाँ पे फीस दिखा रहा है वो पुरानी फीस दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट फीस दिखा रहा हूँ। लेटेस्ट फीस है 85,000 रुपीज़ 1 साल के लिए हॉस्टल की फीस है। जो रूम का रेंट होगा आपका, मेस की फीस कितनी है, 40,000 रुपीज़ मेस की फीस है। तो जो आपको आएगा, आगे भी आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या है। ये तो मैंने बता दिया आपको एक जो बेनिफिट आपका एक और हो सकता है, जैसे पहले आपको LPNS का बेनिफिट बताया, अर्ली डिसीजन बेनिफिट बता दिया। अगर आप जल्दी से जल्दी LPNS का एग्जाम देके एडमिशन लेके अपनी एडमिशन फाइनल कर लेते हैं, हॉस्टल ले लेते हैं, तो आपको डिस्काउंट, बहुत सारे डिस्काउंट ऑलरेडी मिल रहे हैं। तब उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी अवेलेबल है, यहाँ पे अपार्टमेंट अवेलेबल है। अपार्टमेंट कौन कौन से अवेलेबल है, 4 सीटर 3 सीटर 2 सीटर 1 सीटर अपार्टमेंट। 4 सीटर अपार्टमेंट अगर आप अपार्टमेंट ऑर्डर कर रहे हैं तो 85,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है अपार्टमेंट के लिए, और 350 यूनिट्स आपको मिलती हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल में फ्री आएगा। 350 से ऊपर जाएगा तो आपको बिल पे करना पड़ेगा। 85,000 रुपीज़ प्लस 350 आपका, ये 350 तो आपकी यूनिट्स हैं, 85,000 रुपीज़ आपकी फ़ीस है। 90 वैसे तो 4 सीटर जो आपका अपार्टमेंट है उसकी फ़ीस कितनी है, 95,000 रुपीज़ है, तो बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। तो मैं कहूँगा कि आप अपार्टमेंट्स वगैरह ऑप्ट ना करें, क्योंकि 4 सीटर ही 95,000 पड़ रहा है। तो आप कहाँ जाएंगे, स्टैंडर्ड रूम्स में जाएंगे। स्टैंडर्ड रूम में आपके, मैंने किसकी एग्जांपल ली है, 4 सीटर की। 4 सीटर में कितनी फ़ीस है आपकी, AC रूम की 85,000, नॉन AC रूम की 75,000, बिना किसी डिस्काउंट के।
लेकिन अगर आप अर्ली डिसीजन बेनिफिट लेते हैं आपको 10,000 डिस्काउंट मिलकर 75,000-65,000। मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने एसी रूम लिया 85,000 में, लेकिन आप कॉस्ट कटिंग के लिए 75,000 भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपने 85,000 रुपीज़ का एसी रूम लिया, 4 सीटर स्टैंडर्ड एसी रूम, और उसके बाद आपकी फिर ये हो गया आपकी यहाँ पे, बाकी सारे आप खुद दे सकते हैं, 3 सीटर की फ़ीस, 2 सीटर की फ़ीस, 1 सीटर की फ़ीस, 4x2 5 सीटर की फ़ीस, डॉर्मेट्रीज की फ़ीस भी यहाँ लिखे, 2 सीटर डॉर्मेट्री है, 4 सीटर डॉर्मेट्री है। तो ये आपका पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप कौन कौन से ले सकते हैं, जितना आपका बजट होगा उसके हिसाब से आप अपना स्टे चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, स्टैंडर्ड रूम 4 सीटर एसी रूम 85,000 रुपीज़ की फ़ीस है। उसके बाद अगली चीज़ यहाँ पे आती है मेस का प्लान, मेस की कितनी फ़ीस है। तो यहाँ पे भी अगर आप 30 जून से पहले लेते हैं तो 5,000 रुपये आपको मेस के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएंगे। वैसे मेस की फ़ीस कितनी है, 40,000 रुपीज़, 5,000 डिस्काउंट करके 35, लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कितनी, 40,000 ही ले रहा हूँ, ये सोचिए कि आपने 30 जून के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स एंड जिम फैसिलिटी, आपको सब चीज़ों के लिए पे करना पड़ेगा। अगर आप डे स्कॉलर तो आपको 6,000 रुपये देने जिम फैसिलिटी के लिए, लेकिन अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपको 5,000 रुपीज़ देने जिम फैसिलिटी के लिए, 4,000 है अगर आप वही अर्ली बेनिफिट डिस्काउंट, 4,000 देने पड़ेंगे अगर आप अर्ली बेनिफिट, लेकिन यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि आपको 5,000 ही देने क्योंकि आपने 30 जून से बात किया। उसके बाद आती है स्पोर्ट्स फैसिलिटी, स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए अगर आप इनमें से कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको इस हिसाब से पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इनमें से कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए हमको कुछ पे करने करना। तो ये हो गया। उसके बाद लॉन्ड्री फैसिलिटी, लॉन्ड्री फैसिलिटी के लिए भी 5,000 रुपये आपको पे करने हैं। एक महीने में आप कितने 70 क्लोथ अपने धुलवा सकते हैं, एक मंथ में 70 क्लोथ्स आप धुलवा सकते हैं, 5,000 रुपीज़ एक एकेडमिक सेशन के लिए आपकी पूरी फीस है, 5,000 रुपीज़ फॉर लॉन्ड्री। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपने लॉन्ड्री की फैसिलिटी भी ले ली है। तो उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, आपको क्या कैसे कहाँ पे चेक करना है, सारी फीसिस वगैरह यहाँ पे दे रखी है, सारे बेनिफिट्स बता दिए। तो यहाँ पे अभी आपको कैलकुलेट फिर से बता देता हूँ, एक बार देख लो। यहाँ पे आ जाएंगे एलपीयूनेश की फीस कितनी है, 500 फॉर बॉयज़, 300 फॉर गर्ल्स। एमबीए जनरल की फीस कितनी है, एक सेमेस्टर की 1,90,000 रुपये, टोटल 4 सेमेस्टर कितनी होगी, 7,60,000 रुपये। एग्जामिनेशन फीस कितनी है, 4,000 रुपये एक सेमेस्टर के लिए, 4 सेमेस्टर के लिए कितनी होगी, 16,000 रुपये। उसके बाद अगली चीज़ जो आएगी, हॉस्टल फीस कितनी है, 1,25,000 रुपये आपकी फीस है, जिसमें कि 85,000 रुपीज़ आपका रूम का रेंट है, 40,000 आपका क्या है, इन सब में आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप अर्ली डिसीजन लेते हैं। 40,000 आपका क्या है, मेस की फीस है, जिम की फीस आपकी 5,000 रुपये, लॉन्ड्री की फीस आपकी 5,000 रुपये। उसके बाद 2 साल आप बाहर रहेंगे तो घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपने घर जाएंगे वापस आएंगे, कभी कभी मेस में अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो आप बाहर भी खाएंगे, दोस्तों पार्टी भी करेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 50,000 रुपीज़ आप 1 साल के लिए अपना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, तो टोटल 2 साल के लिए कितना हो गया, 1,00,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया जो आप करेंगे अपना खाने पीने घूमने फिरने। इसमें भी आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 50,000 यार लग ही जाते हैं बहुत ईजिली, एक महीने के 2,000-4,000 रुपये तो लग ही जाते हैं खाने पीने घूमने में, क्योंकि इसमें मैंने क्या इंक्लूड किया, आपके प्रैक्टिकल फाइल्स जो आप खरीदेंगे, जो फोटो स्टेट्स वगैरह आप कराएंगे, प्रिंट आउट्स आप कराएंगे, बहुत सी अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं कॉलेज में उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, तो सारा मैंने आपके कपड़े जूते सब मिला के, अपनी ड्रेस लेंगे वो सब मिला के 1,00,000 रुपये 2 साल का आपका एक्स्ट्रा खर्चा बनाया कि 1 साल आप 2 साल में आप 1,00,000 रुपये खर्च कर देंगे सब कुछ मिला के। उसके बाद टोटल अभी क्या आएगा, MBA जनरल की टोटल फीस कितनी हो जाएगी, तो 7,60,000 रुपये तो आपकी इसकी 2 साल की फ़ीस होगी, उसके बाद 16,000 रुपये आपके 2 साल के एग्जामिनेशन फ़ीस होगी, उसके बाद 1,00,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा खर्चा हो गया 2 साल का, 10,000 रुपये आपके किस चीज़ के हो गए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना 5,000 रुपये जिम के, तो 10,000 रुपये आपके 2 साल के जिम के हो गए अगर आप जिम ऑप्ट कर रहे हैं, मोस्टली लोग करते हैं, 10,000 रुपये आपके जिम के हो गए। लॉन्ड्री के भी हो गए 10,000 रुपये 2 साल के। उसके बाद आपने फिर यहाँ पे 1,25,000 रुपये आपके कितने थे, हॉस्टल फीस थी, तो यहाँ पे 2,50,000 रुपये कितनी होगी, 2 साल की हॉस्टल फीस होगी। तो टोटल अगर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 11,46,000 रुपये, 11,46,000 रुपये, मतलब 11,46,000 रुपीज़ आपकी 2 साल की फ़ीस लगेगी MBA जर्नल में। अगर आप MBA स्पेशलाइजेशन ऑनर्स करते हैं तो यहाँ पे अगर आपकी फ़ीस हो जाएगी 2,90,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है, तो 11,60,000 रुपये तो आपकी फ़ीस हो जाएगी, तो आप यहाँ पे 11,00,000 के ऊपर कर सकते हैं, तो ये कितना बन जाएगा, 16-17 लाख रुपीज़ आपका बन जाएगा। अगर आप MBA जनरल कर रहे हैं तो आपका 11,46,000 रुपये लगेगा 2 साल का, MBA ऑनर्स कर रहे हैं, इंडस्ट्री कलेबरेशन या किसी और ब्रांच में कर रहे हैं तो आपका 16-17 लाख रुपये लग जाएगा MBA करने का, कहाँ से, LPU से। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि आपका कितना खर्चा किस चीज़ में आएगा, कैसे कैसे आएगा, इससे ज़्यादा आपका बिल्कुल नहीं लगेगा। तो अब आप अपने हिसाब से आपका जितना बजट है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ROI वर्थ जानने के लिए कि इतना पैसा लगा के MBA करना यहाँ से वर्थ है या नहीं,
उसके लिए अलग से वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन हैं, तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में और लंबा नहीं करूँगा यार, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो मिलते हैं ऐसे के लिए किसी वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि MBA के ऊपर और जो नई नई LBU के ऊपर वीडियोज़ आ रही है MBA से रिलेटेड वो आप बिल्कुल मिस ना करें, और मेरी और भी दूसरी दूसरी वीडियोज़ देखते रहें ताकि सपोर्ट करते रहें। ऐसी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे के लिए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।